हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे काले चने से चटपटा चना मसाला, जो कि खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम चना लिया है, एक कप चना है ये। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए भिगो करके रख दिया है। चना हमारा काफ़ी अच्छे से फूल गया है और आपको काले वाले चना लेना है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से फूल गया है। मैंने इसको पूरी रात के लिए भिगो करके छोड़ दिया है और इसको कम से कम 8 घंटे के लिए भिगोना है। यहाँ 2 प्याज लिया है, आधा इंच अदरक है, 4-5 हरी मिर्च और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ हैं। इन सबको हमें बारीक काटना है अच्छे से। तो सारे चीज़ों को काफ़ी अच्छे से आपको बारीक चॉप कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसको सारी चीज़ों को काट लिया है, बहुत ही अच्छे से मैंने बारीक काटा है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम रखेंगे गैस पर कढ़ाई, 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, कोई भी खाने वाला तेल आप इसमें ले सकते हैं। गैस के फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे, आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, जीरा जब चटक जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर कड़ी पत्ता डालेंगे 8 से 10। तो दोनों चीज़ों को पकने देंगे थोड़ा सा, 10-15 सेकंड के लिए। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे लहसुन अदरक और हरी मिर्च सबसे पहले और इसको हम अच्छा ब्राउन होने तक पकाएंगे, 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे ही। इससे काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है। जब तक अच्छे सी खुशबू इसमें ना आने लगे तब तक इसको पकाना है। जब लहसुन अदरक पकता है तो काफ़ी बढ़िया सा खुशबू आता है। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ें पक चुका है। इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को हमें आधा पकने तक पकाना है। प्याज को हमें पूरी तरीके से नहीं पकाना है, मतलब आधा ही पकाएंगे हम। थोड़ा सा इसमें जो क्रंच रहता है वो चना के साथ खाने में जो इसमें काफ़ी ज़्यादा टेस्ट आता है, अच्छा लगता है। तो थोड़ा प्याज को क्रंची रहने देंगे, पूरी तरीके से नहीं पकाएंगे हम। तो यहाँ देखिए प्याज भी हमारा पक चुका है, इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे चना। तो चना को मैंने पानी में से निकाल लिया है छान करके। तो सारा चना यहाँ पर डाल देंगे और इसको मिला देंगे अच्छे से हम, और अच्छे से इसको मिलाने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो स्वाद के हिसाब से आपको नमक डाल देना है, जितना नमक लगेगा। मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच यहाँ पर नमक डाला है और नमक डालने के बाद हम मिला देंगे और गैस के फ्लेम को लो करेंगे और लो फ्लेम पे इसको हम ढक करके 7 से 8 मिनट के लिए हम पकने देंगे। नमक डालने के बाद काफ़ी सारा पानी छोड़ देता है और लो फ्लेम पे पकने देना है इसको थोड़ी देर। तो यहाँ देखिए 7-8 मिनट हो चुका है, चना हमारा पक गया है काफ़ी अच्छे से। वापस से एक बार हम मिला देंगे। मैंने बीच में भी एक बार इसको चला दिया था, तो बीच में 1-2 बार आपको चला देना है ताकि ये चेक भी करना है ताकि जले ना। अब हम डालेंगे इसमें सूखे मसाले थोड़े से। तो 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच डालेंगे चाट मसाला, इससे चटपटा सा टेस्ट आएगा। और यहाँ पर 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर। सारे सूखे मसाले को मिला देंगे और मसाले को अच्छे से मिलाने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम और ढक देंगे ताकि मसाले का फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आ जाए। तो वापस से हम इसको ढक करके 2 मिनट और पका लेंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट मैंने इसको और पका लिया है। तो चना मसाला यहाँ पर हमारा लगभग रेडी है। तो लास्ट में बस थोड़ा सा 1-2 काम इसमें और करना है। अब यहाँ पर हम डालेंगे, देखिए काफ़ी बढ़िया तरीके से बनकर तैयार है। तो लास्ट में यहाँ पर डालेंगे हम आधा नींबू का जूस। ये जो खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना, काफ़ी मज़ेदार आता है। आपने देखा होगा बाज़ार में भी जब चना हम खाते हैं तो उसमें नींबू का रस डालकर दिया जाता है, इसलिए खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है।
फाइनली गैस हम ऑफ करेंगे और लास्ट में हम डालेंगे हरा धनिया। बस ये सर्व करने के लिए तैयार है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही इसको खा सकते हैं, या फिर चाहे तो आप इसको पोहा के साथ खा सकते हैं। ऐसे ही खाइए इसको, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार बना है हमारा चना मसाला, देख सकते हैं आप, काफ़ी टेस्टी दिख रहा है और सच में ये खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है। तो आप इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।